देख रहे हैं चतुर्भुज टेम्पल और राम मंदिर ओरछा, जो ओरछा में स्थित है। यही है चतुर्भुज टेम्पल जो ओरछा में स्थित है। ये देखिए आप जा रहे हैं राजा भी, मुझे पार्ट नंबर 2 में लेके जाना है। ये देखिए जहांगीर पैलेस जो आगे आप देख रहे होंगे। ये देखिए जहांगीर पैलेस जो आगे आप देख रहे होंगे, इसे हम बाद में देखेंगे। देखिए मित्रों जहांगीर पैलेस का नजारा। अब हम जा रहे हैं राजा पैलेस के अंदर। यहाँ से राजाओं की एंट्री होती थी उस वक्त। ये कोई एक रूम है जो पैलेस में है। देखिए ये रूम, यहाँ से सीढ़ियाँ है जो हम नीचे उतर रहे हैं राजा पैलेस के मेन, जहाँ पे पूरा ये नीचे और दूसरी रूम है। यहाँ पे जालीदार वर्क किया गया है और बाकी आपको पुरातत्व विभाग के द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। देखते रहिए सही और उचित इन्फॉर्मेशन। ये राजा महल का भीतरी आंगन है जिसे मर्दाना या पुरुषों से संबंधित आंगन भी कहा जाता है। कुछ देर यहाँ ठहर कर खूबसूरत मेहराबों और बालकनियों का आनंद उठाएं। आंगन के दाहिनी ओर उठे हुए मंच का उपयोग संगीत और नृत्य के लिए किया जाता था। यहाँ गायक और वादक सुरों से समा बांधते और घुंघरों की आवाज इशारा करती खूबसूरत नर्तकियों के आने की। बुंदेल राजा कला के महान संरक्षक होने के साथ साथ कलाकारों को खूब प्रोत्साहित भी किया करते थे। मंच के पीछे दिख रही इन मेहराबों से राजा समारोह देखा करते थे। शहर के कुलीन और ऊंचे दरबारी ऊपर की बालकनियों में होते थे। क्या आपने अपनी दाईं ओर लगी जालीदार खिड़कियां देखी? ये वो जगह थी जहां से शाही दरबार की महिलाएं समारोह का आनंद लेती थी। जैसा कि हमने पहले बताया था, महिलाओं को बाहर के लोगों के सामने आने की अनुमति नहीं थी, पर उन्हें संगीत व नृत्य के मनोरंजन से वंचित नहीं। शाही दरबार के माहौल को सुखद बनाना। आपके बाईं ओर सबसे ऊपर एक बड़ा सभागार है, इसे दीवाने खास कहते हैं। यहाँ राजा अपने वरिष्ठ दरबारियों और मंत्रियों के साथ बैठते थे। आप दीवाने खास तक जाकर इसकी दीवारों और छत पर बेहतरीन चित्रकारी देख सकते हैं। फूलों और ये बारादरी है, यानी शाही परिवार के सदस्यों के भोजन और औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत की जगह। मेहराबों के ऊपर दीवारों में आपको धातु के मजबूत छल्ले लगे दिखाई देंगे। इनका उपयोग उन भारी पर्दों को लटकाने के लिए किया जाता था जिनकी ओट में शाही परिवार के लोग किसी को दिखाई हवा बहने और ठंडक के लिए बीच वाली मेहराब को खुला छोड़ा गया था। मेहराब से बाहर की ओर देखिए, यहाँ पानी से भरा टैंक रखा होता था। महल की नौकरानियां इसकी सतह को फूलों से ढकने के बाद इसमें इत्र छिड़का करती थीं। छत पर आपको धातु के दो और छल्ले दिखाई देंगे। इन छल्लों के साथ कपड़े का बना हुआ एक बड़ा पंखा लटकाकर हवा के लिए इसे हिलाया जाता था। यह हवा टैंक के सुगंधित पानी को छूकर
शीतल होकर शाही परिवार को ठंडक पहुंचाती थी। इस पंखे को दो नौकरानियां खुली मेहराब के दोनों किनारों पर बैठकर चलाया करती है। यहाँ आकर आप ऊपर बने लाल और अन्य रंगों के विशाल चित्रों को देखना न भूलें। ये एक ऐसी सेना का चित्रण कर रहे हैं जिनके सिपाही घोड़ों और हाथियों पर सवार हैं। वे राजा के साथ चल रहे हैं। इसके ऊपर आप हिंदू शैली में बनाया हुआ एक चित्र देखेंगे जिसमें कई महिलाएं बालकनियों से सैनिकों पर फूलों की वर्षा करते हुए उनका स्वागत कर रही हैं। फूलों से सजी ये छत किसी शानदार फारसी कालीन की याद दिलाती है। ये इस्लामिक शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसमें किसी भी मनुष्य पशु या देवता की आकृति चित्रित नहीं की गई है। आपके चारों तरफ की ये मेहराबें पूरी तरह मुगल शैली की हैं। क्या आप अलग प्रकार की छह मेहराबों को देख पा रहे हैं? ये एकदम सीधी सादी हैं और मेहराब के ऊपर एक नोक जैसी बनाती हैं। इन्हें बुंदेला मेहराब कहा जाता है और ये केवल ओरछा में पाई जाती हैं। अब हम उस कक्ष में हैं जहां कभी राजा की महिला सहायिका रहती थी। इस कमरे की दीवारों व छत पर मौजूद सभी कलाकृतियां 17वीं शताब्दी की हैं और इनमें से बहुतों का विषय हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंधित है। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को निर्माता, भगवान विष्णु को पालनहार और भगवान शिव को संहारक कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार लौकिक व्यवस्था बहाल करने के लिए भगवान विष्णु कई बार पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि वे 9 अवतारों के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उनके 9 अवतारों को आप प्रवेश द्वार के ऊपर छत पर बनी कलाकृति में विस्तृत रूप में देख सकते हैं। इनमें है मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण और गौतम बुद्ध। विष्णु के 10वें अवतार कल्कि यहां चित्रित नहीं है। कहा जाता है कि कल्कि केवल वर्तमान युग के अंत में अवतार लेंगे जिसे कलयुग कहते हैं। शेष कमरे में आपको हिंदू पौराणिक कथाओं के दिलचस्प दृश्यों को चित्रित करते हुए बड़ी कलाकृतियां भी दिखाई देंगी। जनाना यानी महिलाओं के आंगन में है। ये महल शाही परिवार की सभी महिलाओं के लिए बनाया गया था। इसमें कुल 136 कमरे हैं, जिनमें से 36 नीचे और 100 कमरे ऊपर की तरफ हैं। उठे हुए प्लेटफॉर्म का उपयोग शाही महिलाओं और उनके परिचारकों के लिए त्योहारों के दौरान किया जाता था, जो अपने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर संगीत नृत्य आदि का आनंद लेते थे। इस आंगन के चारों ओर 7 मुख्य कमरे हैं, एक राजा का शाही कक्ष और बाकी 6 राजा की 6 महिला परिचारिकाओं के लिए थे। तो क्या उनकी एक से अधिक पत्नियां थी? हम इस बारे में केवल अटकलें लगा सकते हैं, पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। सभी कमरे 16वीं शताब्दी की खूबसूरत कलाकृतियों से सजे हुए हैं। इन कमरों में बनाई गई इन कलाकृतियों को ध्यान से देखिए। ये बुंदेली कलम या बुंदेली कला के नाम से प्रसिद्ध है। ओरछा के महल, मंदिर और स्मारक एकदम किसी कला दीर्घा की तरह लगते हैं, जिनमें दीवारों और छतों पर बेहतरीन भित्ति चित्र हैं। इन कलाकृतियों में चित्रकारों ने केवल प्राकृतिक रंगों जैसे कि सिनेबार, ऑपिमन, एज्यूराइट, अल्ट्रामरीन आदि का उपयोग किया है। विविध विषयों वाली ये खूबसूरत कला।
फ्लावर की ओर जाता है। फिलहाल यहाँ कार पार्किंग बनी हुई है। आपके बाई ओर शीश महल, शीश महल जो कभी राजा उदय सिंह का महल हुआ करता था। बाद के राजाओं ने इसे शाही परिवार के मेहमानों के लिए एक महल में बदल दिया। इन महलों की यहाँ पूरे शाही अंदाज के साथ अपने दल की जाती है। ये शीश महल मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा संचालित एक आकर्षक छोटे अपनी गाड़ी यात्रा से कुछ देर विश्राम करना या जलपान करना चाहते शीश महल वैष्णव में चले। चले। अगर आप ऐसे खड़े हैं कि शीश महल आपके बाई ओर है तो आपको ठीक सामने दिखाई। मुगल बादशाह जहांगीर ने सन 1605 से सन 1627 तक शासन किया।